हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम सीखने वाले हैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। कंप्रेसर जो है एक तो शॉर्ट रहता है या फिर एक जो है उसका वाइंडिंग ओपन रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो जो है आप एंड तक देखिए कि उसको कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा, यानी कि बजर मोड पे। ये जो है इसका बजर मोड रहता है। इसके बाद में जो है आपको जो है एक टर्मिनल जो है कंप्रेसर का एक और दूसरा बॉडी पे लगाना चाहिए। ये जो है आपको कभी भी ग्राउंड नहीं रहना चाहिए। अगर समझो इसमें बीप आ रहा है तो आपका कंप्रेसर ग्राउंड है। ऐसा ही देखो, अभी भी बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है आपका कंप्रेसर ग्राउंड नहीं है। उसके बाद में हम लोग तीनों टर्मिनल पे एक बार चेक करेंगे। तीनों टर्मिनल आप जब भी चेक करोगे तो उसमें जो है एक मतलब जो आपको रेजिस्टेंस आएगा 14.2 आएगा। सेकंड और थर्ड में आपको चेक करेंगे तो सेम 13.2 आएगा। थर्ड में चेक करेंगे तो आपको भी सेम आना चाहिए। ये देखो 13.2, मतलब आपका इसमें वाइंडिंग सही है। इसका जो UVW जो वाइंडिंग रहता है इसमें सेम रहना चाहिए। उसके बाद में जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए जो है आपको एक मल्टीमीटर को 720 पे रखना पड़ेगा AC वोल्टेज के ऊपर। उसके बाद में आपको एक प्रोब जो है न्यूट्रल पे रखना चाहिए और दूसरा जो है जो इन्वर्टर PCB रहता है उसमें UVW का टर्मिनल रहता है, उसमें जो है आपको एक एक करके चेक करना चाहिए। एक जो है आपको प्रोब, ये देखो यहाँ पे दिखा था हमें, न्यूट्रल पे रखना चाहिए और दूसरा जो है UVW जो रहता है उस पर रखना है। तीनों में जो है आपको सेम वोल्टेज आना चाहिए। रुको आपको मैं एक बार दिखा दूँ वोल्टेज कितना आएगा। ये देखो यहाँ पे जो है आपको सेम 120 वोल्टेज आना चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा।